नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका बीबीसी लाइव न्यूज में। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने थाली घंटी एवं शंख बजाकर कहा, मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आंदोलन जब तक जारी रखेगा जब तक यह जन आंदोलन का रूप न ले ले। रायपुर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने देश में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार द्वारा अभी तक देशव्यापी आंदोलन के बावजूद इसकी कीमतों की कमी को लेकर किसी तरह का कारगर उपाय न अपनाए जाने पर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न पेट्रोल पंपों में जाकर केंद्र सरकार को ऐसे उपकरण एवं यंत्रों से जगाने का प्रयास किया जिससे मोदी अक्सर अपने जीवन में उसकी ध्वनि को अपनाया करते हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, देश में रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है, परंतु मोदी सरकार लगातार मौन है। इसे लेकर पूरे देश भर में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के आह्वान पर लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब तक कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप नहीं ले लेती तब तक विरोध जारी रखेगा। विकास उपाध्याय ने कहा, एक तरफ तो सरकार का खजाना इससे भर रहा है, लेकिन इन कीमतों का सीधा असर महंगाई पर भी पड़ रहा है जिसे मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है। विकास उपाध्याय ने कहा, मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के टैक्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। मोदी सरकार ने इस पर कई तरह से टैक्स लगा रखे हैं जिससे उनका खजाना भरता रहे। सरकार को इन दोनों से होने वाली कमाई पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। बावजूद केंद्र सरकार को इसकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आह्वान पर आज पेट्रोल पंपों में थाली घंटी और शंख बजाकर एक बार फिर से केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने की शुरुआत कर तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। ज्ञातव्य हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे निकलने वाले ध्वनि को आसानी से सुन लेते हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि विरोध के ये स्वर जरूर मोदी सरकार तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनके मंत्रिमंडल के लोग उनकी पार्टी के लोगों को जगाने के लिए जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जनता की इस लड़ाई और सोने वाले ये लोगों को जलाने के लिए आज हम लोग घंटी बजाकर, ये थाल बजाकर, सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता की इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। वो लोग गायब हैं जो चुनाव के पहले दूसरी बात करते थे, जो पेट्रोल डीजल के नाम पर साइकिलों को चलाया करते थे, गैस टंकी को लेकर आंदोलन करते थे, आज उनको जगाने के लिए हम तमाम कांग्रेस के साथी के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जनता आज कोरोना से पीड़ित है, कहीं महंगाई से पीड़ित है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का आह्वान है, जनता की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। कविता की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए बीबीसी लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।